अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ जमील अहमद और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलआई बैंक की MyBL एप्लीकेशन के न्यू इंटरफेस की। जैसे कि इससे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से वीडियो बनाई गई हुई थी तो मेरे व्यूवर्स ने उसके ऊपर सजेशन दी या उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया कि उन्हें जो नए इंटरफेस की समझ नहीं आ रही, इसके लिए एक वीडियो आप बना दें कंप्रीहेंसिवली ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि नया इंटरफेस में ऑप्शंस कहाँ कहाँ जाके किस तरह वर्क करती हैं। तो अगर आपके पास ये नया इंटरफेस नहीं आ रहा तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर के ऊपर। यहाँ पे आप लिखेंगे MyBL ऐप तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे जो ओपन की ऑप्शन आ रही है, ओपन की ऑप्शन के ऊपर आपके पास अपडेट की ऑप्शन आ रही होगी। मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट कर लिया है तो इस वजह से नहीं आ रही, अदरवाइज़ आप अपडेट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी। जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो अपडेट होने के बाद आप MyBL एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो नया इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और जो इसका अगर बेसिक आप थीम देखें तो थीम भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह ही है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंड साइन इन। एक चीज़ यहाँ पे चेंज हुई है, रजिस्टर्ड नाउ भी इसी तरह ही, अगर आप नई रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो रजिस्टर्ड नाउ की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके अलावा क्रेडेंशियल इसमें एंटर करेंगे और रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं इसके कमेंट्स बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक आपको रख दूंगा कि अगर आप न्यूली रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ बॉटम पे आ रहा होता था एक फॉरगॉट पासवर्ड कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो उसको रीसेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड की जगह पे आ गया है हैविंग ट्रबल इन लॉग्ड इन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आगे क्रेडेंशियल बिल्कुल उसी तरह ही है जिसमें आपका यूज़र नेम है, ATM डेबिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड पिन है, डेबिट कार्ड एक्सपायरी है, तो ये चीज़ें आप दर्ज करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको लो कर देगा कि आप नया पासवर्ड बना सकें। एक इसके ऊपर लाइव चैट की ऑप्शन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो लाइव चैट की ऑप्शन को आप क्लिक करके रिप्रेजेंटेटिव से बात भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इसको हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद फर्दर देखते हैं कि इसके इंटरफेस में चेंजेस कैसे हुए हैं। मैंने इसको सिक्योरिटी इनेबल किया हुआ है, ये मैं आपको भी बाद में समझाऊंगा कि सिक्योरिटी किस तरह इसको इनेबल करते हैं ताकि बार बार आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत पेश ना आए। अभी हम नए इंटरफेस पे आ गए हैं। अगर आपने देखा होगा इससे पहले इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे बैलेंस आ रहा होता था और बैलेंस जो है वो विजिबल था, इस वजह से बहुत सारे कस्टमर्स ने शिकायत की कि वो जैसे लॉगिन करते हैं बैलेंस विजिबल हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि बैलेंस जो है बैलेंस को विजिबल नहीं रखा। अगर आप व्यू बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो आपका बैलेंस आ जाएगा, अगर व्यू बैलेंस पे क्लिक नहीं करेंगे तो बैलेंस फर्स्ट इंटरफेस पे शो नहीं होगा। इसमें है पेमेंट है, ट्रांसफ़र है, सर्विसेज है, माई PFM है, मार्केट प्लेस है और प्रेफरेंस है। अगर आप पेमेंट के पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट आपकी सेम लाइक द बिल पेमेंट है। इसके अंदर अगर आपके पास ऑलरेडी जो पे है वो ऐड हुए हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप न्यू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो न्यू पेमेंट में से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनमें से किसी की भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल, टेलको, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड है, इंटर बैंक इंटरनेट बिल्स है, ऑनलाइन शॉपिंग है, फर्टिलाइज़र है, इंश्योरेंस है, IPOs है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, वन बिल है और लोन एंड फाइनेंसेस हैं, उसके अलावा किक पे है, पे प्रो है, डोनेशन है, फ्रेंचाइज पेमेंट है और टिकट वगैरह। फ्रेंचाइज पेमेंट होती है जो मर्चेंट पेमेंट आप करते हैं, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो बिल पेमेंट आप न्यू पेमेंट के ऑप्शन में जाके बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो फ़ंड ट्रांसफ़र भी बिल्कुल इसी तरह है, फ़ंड ट्रांसफ़र अगर आपके पास ऑलरेडी पे ही ऐड है तो नहीं तो अदरवाइज़ आप न्यू पे के ऑप्शन में जाके आप कर सकते हैं। तो न्यू पे के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वेदन लाइट बैंक या अदर बैंक, तो आप जिसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको फर्दर आप एग्जीक्यूट कर देंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है, सिर्फ अगर फर्स्ट इंटरफेस की आप बात करें यहाँ से आप अगर आप टॉप के देखें लेफ्ट साइड के ऊपर एरो का निशान है, यहाँ से आप इसको जो है वो प्रीवियस पेज के ऊपर जा सकते हैं। उसके अलावा सर्विसेज है, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के अंदर चेकबुक रिक्वेस्ट है, चेक स्टेटस इंक्वायरी है और डेबिट कार्ड है। चेकबुक रिक्वेस्ट की बात करें तो चेकबुक रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कितने लीव की चेकबुक है तो उतने लीव की आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा चेक इंक्वायरी है, यहाँ पर आप चेक नंबर लिखेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपको
पता चल जाएगा कि आपके चेक का स्टेटस क्या है। उसके अलावा डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड में आपको ये पहले बताया हुआ कि यहाँ से आप कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स भी इनेबल कर सकते हैं, इंटरनेशनल यूजर भी इनेबल कर सकते हैं, और जो आपका एटीएम कार्ड है उसका ऑलरेडी अगर पिन बना हुआ है तो उस पिन को आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर तो माई PFM है, MyPFM एक नई ऑप्शन इसके अंदर रखी गई है जिसके थ्रू आप अपना बजट सेट कर सकते हैं कि आप कितना कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, कितना बिल पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें तो मार्केट प्लेस के अंदर टिकट्स हैं और म्यूचुअल फ़ंड है। टिकट्स के अंदर जो आपकी बस टिकट है, आपकी मूवी टिकट है, और म्यूचुअल फ़ंड के अंदर यू नो कि आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस टिकट, इवेंट टिकट और मूवी टिकट यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेफरेंस के ऑप्शन में अगर जाएँ तो प्रेफरेंस में आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं, मैनेज पे एंड बिलर कर सकते हैं, मैनेज पर्सनल ऑप्शन। मैनेज पर्सनल ऑप्शन में जाके आप अपना एड्रेस मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। चेंज OTP प्रेफरेंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और सिक्योरिटी सेटिंग में जाके भी आप जो अपना बायोमेट्रिक एनेबल कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन आप प्रेफरेंस में जाके कर सकते हैं। उसके अलावा एक फेवरेट का बटन ऐड कर दिया कि इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी पेमेंट आप फेवरेट करना चाह रहे हैं तो उसको आप फेवरेट कर दें, तो आपके सामने प्रॉप अप हो जाया करेगी, तो आप उसको इजीली और प्रॉपरली कर सकेंगे। उसके अलावा जो QR कोड के थ्रू स्कैनिंग है वही ऑप्शन है, लेकिन ये बॉटम के ऊपर है, यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इनसाइट एक ऑप्शन है, इनसाइट के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, अकाउंट की फुल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं जितने टाइम पीरियड के आप देखना चाह रहे हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और लॉगिन हिस्ट्री भी यहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू पहले इंटरफेस की बात करें तो पहले इंटरफेस पे जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगे थे उसको कंप्लीट होने में, लेकिन इसमें 5 से 6 मिनट हार्डली इसको कंप्लीट होने में लगे, बिकॉज़ ये इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। आपने अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि ये इंटरफेस आपको कैसा लगा। इसके अलावा इस इंटरफेस के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपरली इसको आंसर दे सकूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन, रिसर्च सेशन और इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ये लेके आएँ ताकि आप उससे मुस्तफीद हो सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।